स्वागत है आपका दुनिया जहान में। मेरा नाम है मानसी दाश। हर हफ्ते एक सवाल और उसका जवाब तलाशने की कोशिश, बीबीसी पड़ताल दुनिया की। ब्रह्मांड में पृथ्वी के अलावा क्या कहीं और जीवन है, और अगर है तो कैसा? वैज्ञानिकों के लिए ये अब तक बड़ा सवाल बना हुआ है। इसी साल जून में अमरीकी सरकार ने अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स यानी यूएफओ से जुड़ी एक रिपोर्ट डीक्लासिफाई की, जिसमें कहा गया कि अब तक पृथ्वी पर एलियंस के आने के सबूत नहीं मिले हैं। हालांकि रिपोर्ट में एलियंस के होने की संभावना से इनकार नहीं किया गया है। बीते कई दशकों से वैज्ञानिक इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। वो पृथ्वी से करीब 4 लाइट ईयर दूर अल्फा सेंचुरी में जल्द जीवन की तलाश शुरू करने वाले हैं। लेकिन क्या वो एलियंस को खोज पाएंगे, और क्या पृथ्वी से दूर कहीं और भी जीवन है? इस सप्ताह दुनिया जहान में पड़ताल इन्हीं सवालों की, और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं 4 एक्सपर्ट्स। पार्ट वन, कहां कैसे उठा सवाल। आई थिंक वी आर ऑब्सेस्ड विद एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल लाइफ बिकॉज़ वी नेटली हेन्स लेखिका हैं और साइंस फिक्शन में दिलचस्पी रखती हैं। वो बताती हैं कि 2000 साल पहले जब ना तो स्पेस ऑब्जर्वेटरी थी और ना ही अंतरिक्षयान की कल्पना की गई थी, उस वक्त लूशियंस नाम के एक यूनानी लेखक ने अपनी किताब में पृथ्वी से दूर जीवन का जिक्र किया था। He writes this extraordinary piece called The True Histories. A True History नाम की अपनी किताब में लूशियंस कुछ यात्रियों की कहानी लिखते हैं, जो एक बवंडर में फंसकर चांद तक पहुंच गए। इस सफर में उन्हें 7 दिन लगे, जबकि आजकल रॉकेट से चांद तक जाने में इसका करीब आधा वक्त लगता है। वहाँ चांद के राजा और सूर्य के सम्राट के बीच युद्ध चल रहा होता है, और उनके पास अजीबोगरीब दिखने वाली सेनाएं होती हैं। लूशियंस ने चांद पर पंख वाले घोड़ों और विशालकाय गिद्धों का जिक्र किया है। उन्होंने अजीबोगरीब लोगों के बारे में लिखा है जिन्हें एलियंस कहना गलत नहीं होगा। इसके करीब 800 साल बाद 10वीं सदी के जापान में एक और साइंस फिक्शन कहानी The Bamboo Cutter's Daughter लिखी गई थी। The story is that a bamboo cutter is chopping bamboo and he sees this. ये कहानी कुछ ऐसी है कि बांस काटने वाले एक व्यक्ति को एक दिन बांस के भीतर तेज रोशनी दिखी। उसे वहाँ एक नन्ही बच्ची मिली जिसे वो घर ले आया और अपनी बेटी की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। बाद में लड़की ने बताया कि वो चांद से है। लेकिन ऐसा क्यों है कि जिन पहली कहानियों में एलियंस का जिक्र है उनमें चांद का भी जिक्र है? It was for a really long time, and I suppose that's because ये बात सही है कि लंबे वक्त तक चांद के ही बारे में लिखा जाता रहा है। शायद ऐसा इसलिए क्योंकि धरती से चांद साफ दिखता है, लेकिन शुक्र या मंगल नहीं दिखते। लेकिन जल्द ही पृथ्वी पर मंगल भी चर्चा का विषय बना। 1870 के दशक में एक इतालवी खगोल विज्ञानी जियोवानी वर्जिनियो शियापरेली ने टेलीस्कोप से मंगल ग्रह को देखा और इसके बारे में विस्तार से लिखा। उन्होंने मंगल की सतह पर नालियों जैसी लकीरें देखी, जिनको उन्होंने कनाली कहा। लोगों को लगा कि वो कनाल यानी नहरों की बात कर रहे हैं। उस वक्त सुएज नहर का काम पूरा हुआ था। इसके बाद ये धारणा बनने लगी कि मंगल ग्रह पर रहने वालों ने वहाँ नहरें खोदी हैं। इसके कुछ साल बाद पोलैंड के एक पादरी ने अलेरियल अ वॉयज टू अदर वर्ल्ड्स नाम की एक किताब लिखी, जिसमें उन्होंने मंगल पर रहने वाले 9 फीट लंबे शाकाहारी लोगों का जिक्र किया। पहली बार उन्होंने इनके लिए मार्शियन शब्द का इस्तेमाल किया। Speaking from the roof of Broadcasting Building, New York City, the bells you hear are ringing to warn the people to evacuate the city as Martians approach. इसी दौर में रेडियो पर एच.जी. वेल्स की किताब
वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स का नाट्य रूपांतरण प्रसारित किया गया। इस कहानी को एक न्यूज बुलेटिन सीरीज की शक्ल में कुछ इस तरह सुनाया कि सुनने वालों को लगा मार्शियंस ने पृथ्वी पर हमला किया है। पार्ट टू, दूसरे ग्रहों पर जीवन की खोज। 1960 के दशक में एक युवा वैज्ञानिक फ्रैंक ड्रेक ने कहा कि एक सौरमंडल से दूसरे सौरमंडल को सिग्नल भेजने के लिए विश्व युद्ध के दौरान विकसित की गई रेडियो तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है और हो सकता है कि एलियंस भी ऐसा कर रहे हों। ऐसे में उनके अस्तित्व को खोजने के लिए हमें जो करना है वो है बस उनके सिग्नल को पकड़ना। It was 3 in the morning and you know the telescopes were grinding away. Seth Shostak, Search for Extraterrestrial Intelligence, SETI में वरिष्ठ खगोल विज्ञानी हैं। बीते चार दशकों से वो एलियंस के ऐसे ही सिग्नल सुनने की कोशिश कर रहे हैं। What Frank did is he used an existing antenna. Frank ने वेस्ट वर्जीनिया की ऑब्जर्वेटरी में मौजूद रेडियो एंटीना का मुंह नजदीकी तारों की तरफ मोड़ दिया। उनकी कोशिश थी कि अगर एलियंस सिग्नल भेज रहे हैं तो वो उन्हें पकड़ सकें। वो दो तारों पर नजर रख रहे थे। मजेदार बात ये थी कि एक तारे से उन्हें कोई सिग्नल नहीं मिला लेकिन दूसरे से कुछ आवाज सुनाई दी। उन्हें लगा उन्होंने एलियंस को ढूंढ लिया है, हालांकि ये सेना का कोई विमान हो सकता था। 1980 के दशक में अमेरिकी सरकार ने एलियंस की खोज के लिए सेटी इंस्टीट्यूट को आर्थिक मदद देनी शुरू की। रेडियो तरंगें स्पेस से आसानी से जा सकती हैं और सेथ रेडियो रिसीवर पर जो आवाज सुनना चाहते हैं वो कुछ ऐसी है। ये असल में किसी एलियन का सिग्नल नहीं है बल्कि सेथ ने सिमुलेशन से इसे तैयार किया है ताकि समझा जा सके कि वो क्या तलाश कर रहे हैं। लेकिन मुश्किल ये थी कि इसके लिए उन्हें लाखों रेडियो फ्रीक्वेंसी को देखना था। फिर उन्हें कैसे पता कि पहले किसे देखना है? ये बड़ी समस्या थी। एलियंस ने ये संदेश तो भेजा नहीं कि किस फ्रीक्वेंसी पर मुझे ट्यून इन करना है। ऐसे में मुझे हर फ्रीक्वेंसी चेक करनी थी लेकिन ऐसा करना समय की बर्बादी थी। हमें ऐसे रिसीवर चाहिए जो सभी चैनल्स एक साथ सुन सके। ओहायो यूनिवर्सिटी के एक खगोल विज्ञानी जब रेडियो टेलीस्कोप का डेटा देख रहे थे उन्हें बेहद अधिक तीव्रता और फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल मिले। उन्हें लगा ये एलियन के सिग्नल हैं। वो बेहद खुश थे। उन्होंने डेटा के पास लिखा वाओ, लेकिन उन्हें असल में क्या मिला हमें नहीं पता। आकाश के उसी हिस्से में कई और लोगों ने भी तलाश की लेकिन उन्हें कभी ऐसा कुछ नहीं मिला। ऐसे में दो संभावनाएं थी, या तो वो एलियंस थे या फिर पृथ्वी पर ही किसी चीज की आवाज थी। कई लोगों के लिए ये एलियंस के सिग्नल का उदाहरण था लेकिन सही मायनों में सालों की खोज के बाद भी एलियंस के बारे में कोई पुख्ता संकेत नहीं मिल सका था। सवाल उठा कि सरकारों का ऐसे प्रोजेक्ट्स पर अरबों खर्च करना कहां तक सही है जिसका कोई नतीजा ही न निकले। 1990 के दशक की शुरुआत में सेटी इंस्टीट्यूट को मिल रही सरकारी मदद बंद हो गई, लेकिन ये एलियंस की खोज का अंत नहीं था। पार्ट 3, कैपलर। One of my earliest vivid memories is seeing the astronauts. David Grinspoon astrobiologist हैं और Planetary Science Institute में वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। वो अंतरिक्ष अनुसंधान पर नासा के सलाहकार रह चुके हैं। वो कहते हैं कि एलियंस की खोज को लेकर भरोसा इसलिए भी कम हुआ क्योंकि उस वक्त तक अधिक ग्रह खोजे नहीं जा सके थे। लेकिन 90 के दशक की शुरुआत से वैज्ञानिकों ने हमारे अपने सौरमंडल में नए छोटे ग्रह और ड्वार्फ ग्रह खोज निकाले और एक बार फिर सवाल उठने लगा कि क्या हमारे सौरमंडल से बाहर भी ऐसे ग्रह हो सकते हैं जहां जीवन हो। 5, 4, 3, 2 इंजन स्टार्ट, 1, 0 एंड लिफ्ट ऑफ ऑफ द डेल्टा 2 रॉकेट विद केपलर on a search for planets in some way like our own. Check.
मार्च 2009 में नासा ने केपलर अंतरिक्ष यान लॉन्च किया। इसमें टेलीस्कोप वाली एक ऑब्जर्वेटरी थी जिसका उद्देश्य पृथ्वी के बाहर जीवन की तलाश करना था। So Kepler was a very clever idea. Kepler एक चतुर विचार था। ये ऐसा था कि धरती से दूर आप एक ऐसी जगह उसे रखें जहां से वो पूरे अंतरिक्ष पर नजर रख सके। केपलर कई सालों तक तारों पर नजर रखता रहा। उसका काम ये देखना था कि किसी तारे से आ रही रोशनी बदलती है या नहीं। And if the light of a star flickers, it might... अगर रोशनी में बदलाव आया तो मतलब ये कि हमारे और उस तारे के बीच से कुछ गुजर रहा है, ये शायद कोई ग्रह हो। अगर किसी तारे के टिमटिमाने में पैटर्न है तो पता चलता है कि कोई चीज उसका चक्कर लगा रही है। केपलर के जरिए कुछ ग्रह ढूंढने की उम्मीद थी, लेकिन 9 साल के अपने वक्त में उसने सौरमंडल के बाहर 2600 ग्रह ढूंढे, लेकिन इनमें से कितनों पर जीवन हो सकता है? We have rough estimates for the number of habitable planets. इस बारे में मोटा मोटा अनुमान लगाया जाता है क्योंकि हमें ये नहीं पता कि किन हालातों में जीवन पनपता है। हमारे सामने केवल पृथ्वी का उदाहरण है, लेकिन हम ये मान सकते हैं कि पृथ्वी के आकार का कोई ग्रह अगर किसी खास क्लाइमेट जोन में हो तो वहाँ जीवन की संभावना हो सकती है। इस हिसाब से कहा जा सकता है कि हमारी आकाशगंगा में ऐसे 30 करोड़ ग्रह हो सकते हैं। डेविड ग्रिनस्पून के अनुसार ये खोज वो क्रांति थी जिसने धरती के बाहर जीवन की संभावना को लेकर वैज्ञानिकों की सोच को बदल दिया। अधिकतर खगोल विज्ञानी या वैज्ञानिक कहेंगे कि उन्हें भरोसा है कि किसी और ग्रह पर भी जीवन होगा। अब तक पृथ्वी के बारे में ऐसा कुछ खास नहीं पता चला है जिससे ये कहा जा सके कि जीवन केवल यहीं पनप सकता था। धरती पर एक्सट्रीमोफाइल्स जैसे कुछ जीवों की खोज भी हुई जो ये साबित करते हैं कि बेहद मुश्किल परिस्थितियों में भी जीवन पनप सकता है। वैज्ञानिकों को भरोसा है कि ये नन्हे जीव जो जीवन की शुरुआत का आधार रहे हैं पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। इस नई खोज ने एक बार फिर एलियंस की तलाश में दिलचस्पी बढ़ाई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर कहीं एलियंस मिल भी गए तो क्या? पार्ट 4, एलियंस मिले तो क्या करेंगे हम? My name is Stephen Dick and I'm an astronomer and an historian of Stephen Dick खगोल विज्ञानी हैं और विज्ञान के इतिहासकार हैं। वो नासा में प्रमुख इतिहासकार रह चुके हैं। दूसरे खगोल विज्ञानियों की तरह स्टीवन को भी यकीन है कि पृथ्वी से परे भी कहीं जीवन है, लेकिन उन्हें चिंता इस बात की है कि इसका पता चलने के बाद क्या होगा। मुझे जितना पता है, ना तो अमेरिकी सरकार के पास और ना किसी और के पास इसकी कोई योजना है कि अगर कहीं एलियंस मिल जाते हैं तो इसका क्या असर होगा। स्टीवन डिक कई सालों तक नासा प्रायोजित एलियन लाइफ प्रिपरेशन प्रोग्राम का हिस्सा रह चुके हैं। वो कहते हैं कि हमें अब तक यही नहीं पता कि जिन्हें हम खोज रहे हैं वो हैं कैसे और हमसे मिलकर उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। Well, that's right. We can't take it for granted that aliens are going to be good. हम ये मानकर नहीं चल सकते कि एलियंस अच्छे ही होंगे। माइक्रोब के स्तर पर भी देखा जाए, संभव है कि दूसरे ग्रह से आया बैक्टीरिया यहाँ संक्रमण फैला सकता है। हमें नहीं पता कि एलियंस की दुनिया में परोपकार का सिद्धांत है भी या नहीं। लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि जिन एलियंस की तलाश हम कर रहे हैं वो हमें ढूंढ रहे हों और हमसे मिलने पृथ्वी पर आ जाएं? और इससे भी बड़ा सवाल ये कि हम एलियन से बात कैसे करेंगे। ये गंभीर चर्चा का विषय है। मुझे लगता है कि फिल्म अराइवल में इस बात को बेहतर तरीके से दिखाया गया है। इसमें कुछ एलियंस इंसानों से बात करने की कोशिश करते हैं। आपको ऐसी भाषा चाहिए जिसे लेकर पूरे ब्रह्मांड में समझ हो। कई लोगों को लगता है कि गणित इसका जवाब हो सकती है, लेकिन इसे लेकर भी अलग अलग थ्योरी है। कुछ कहते हैं कि गणित का आविष्कार किया गया और कुछ मानते हैं कि इसे खोजा गया। इसके अलावा भी कई और सवाल हैं जो परेशानी का सबब हो सकते हैं, जैसे क्या हम उन्हें धर्म के दायरे में देखेंगे, हम उनके साथ किस तरह का व्यवहार करेंगे और फिर धरती की तरफ से उनसे बात कौन करेगा, संयुक्त राष्ट्र या फिर कोई और। इन सवालों के जवाब अब तक किसी के पास नहीं है।
मुझे लगता है कि हमारे पास कोई योजना होनी चाहिए। हमें नहीं पता कि क्या करना चाहिए, लेकिन इसके बारे में पहले से सोचा जाए तो बेहतर होगा। लौटते हैं अपने सवाल पर, क्या वाकई में एलियंस हैं? हम जानते हैं कि अब तक दूसरे ग्रह पर जीवन को लेकर हमें कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं। दशकों की खोज के बाद भी इस मामले में हम अभी वही हैं जहां से चले थे, लेकिन इसे अलग नजरिए से भी देखा जा सकता है। ये संभावना का सवाल है। ब्रह्मांड में लाखों आकाशगंगाएं हैं, जिनमें से एक हमारी मिल्की वे है, और हमारी आकाशगंगा में भी अरबों ग्रह हैं। ये संभव है कि पृथ्वी ऐसा अकेला ग्रह नहीं होगा जहां जीवन पनप सका है। हो सकता है कि किसी और ग्रह पर भी जीवन हो, और शायद हमारे जैसा ही हो। हो सकता है कि किसी दिन हम एलियंस को खोज पाएं, या फिर शायद वो हमें पहले खोज लें।